दोस्तों, एक बच्चा अपना परिवार इसलिए छोड़ता है कि बाकी सदस्य भरपेट खाना खा सके, और आगे चलकर वो बच्चा महान बॉक्सर मैनी पैक्यो बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर डायबिटीज की बीमारी को चुनौती देकर स्विमर गैरी हॉल जूनियर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर किडनी फेलियर की वजह से 2 बार ऑपरेशन करवाने के बावजूद फुटबॉलर इवान क्लासनिक अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान को गरीब उसके हालात ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी बनाती है। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। बड़े शहरों की चकाचौंध में छोटे शहरों की परछाई कहीं खोसी जाती है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच मोहल्ले कहीं धुंधला से जाते हैं। गाड़ियों के शोर में शांत हो जाती है चबूतरे पर लगी बैठक की आवाज, और सूट बूट की चमक में फीका पड़ जाता है बूशर्ट और पैंट का अंदाज। दोस्तों, ये कोई कविता नहीं बल्कि हमारे देश की सच्चाई है। हम क्यों छोटे शहरों को नजरअंदाज करते हैं? हम क्यों नहीं ये समझते कि शहर छोटा हो सकता है, इंसान नहीं, उसका घर छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी सोच नहीं। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो मेरी कही हुई बातों का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इनका शहर छोटा जरूर था, लेकिन इनके सपने बड़े थे। अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और काफी तकलीफ भी सही। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे धुरंधर बैट्समैन में से एक, प्लीज वेलकम सुरेश रैना। यार, ये कमाल है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं, मगर इतनी देर तक तालियां नहीं मारते उनके लिए। तो हाँ, क्रिकेटर्स का स्टारडम कमाल है ना। अच्छा सर। अच्छा है, अरे कितना ये माँ का बहुत प्यारा बच्चा है। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप 365 दिन खेलते हैं, हैं? मतलब फील्ड में दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, परेशान। इट्स नॉट ए बैठे बिठाई कोई चेस की गेम नहीं है, आई एम श्योर उसमें दिमाग लगता है। हाउ डू यू पीपल, आप फ्रेश कैसे लगते हैं? सर, वो घर का खाना और माँ बाप का आशीर्वाद, और जब देश के लिए आप खेलते हो तो एक अलग जुनून रहता है अंदर आपके, और फिर सारे लोगों की दुआएं, तो चेहरे पे नूर अपने आप आ जाता है। अरे वाह। तो आपने बड़ी जद्दोजहद की है, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में। आपके फादर साहब क्या करते थे? सर, वो आर्मी में थे और ऑनर्स फैक्ट्री में काम करते थे। तो कश्मीर में एक जगह है रैनावाड़ी, वहाँ पर थे हम लोग। काफी छोटे में मैं क्रिकेट खेलता था, काफी भैया थे मेरे ऑफिस में खेलते थे, तो मैं फील्डिंग करने जाता था सर। तो सैटरडे संडे को मैचेस होते थे आफ्टरनून में, मुरादनगर एक जगह, वहाँ पर हमारे एक गुरु क्लब था, वहाँ पर एक गुरु जी थे हमारे, जो वो बोलते थे कि सिर्फ सोनू को फील्डिंग कराएंगे और शाम को कुछ खाने को दे देंगे। सोनू इज यू? यस सर, योर निकनेम। अच्छा, तो मैं फील्डिंग करने जाता था सर। कि थोड़ा फील्डिंग करेंगे और इंजॉय करेंगे, थोड़ा खेलने को मिलेगा। मैंने कहा मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फील्डिंग करनी है, मुझे ग्राउंड पे रहना है और खेलना है। और जो एज ग्रुप था वो काफी बड़े थे सर, सारे के सारे भैया लोग। ऐसे एक भैया नहीं आए थे, उनको कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि अभी सुरेश को बैटिंग कराते हैं और देखते हैं कैसे करता है। तो उस मैच में थोड़ा अच्छा बैटिंग किया, तो उस दिन से थोड़ा वो खिलाने लगे सर। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट? सर, मैं उस टाइम था 12 साल का। 12 साल का? यस सर। आप, मैंने सुना जब आप 6 साल के थे आप तकिए के नीचे माचिस रखते थे, और माचिस की तीली और वो जलाकर कुछ बिना घर वालों को जगाए बाहर जाते थे प्रैक्टिस करने, क्या ये सही है? सर, वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट होता था सुबह। अच्छा। और पापा सोते थे तो मैं टाइम देखता था सर कि कोई लाइट नहीं जलाऊं, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो एक दो बार वो तिल्ली पापा के तकिए पे गिर गई थी जल के, तो थोड़ा अजीब सा। हजारों लाखों बच्चे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खासियत थी कि यू गॉट सिलेक्टेड
फॉर अंडर 19 फर्स्ट? सर मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जो बॉम्बे में मैं क्रिकेट खेला था अंडर 19 से पहले, फर्स्ट क्लास खेला यूपी के लिए, अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 17 इंडिया खेला, फिर अंडर 19 इंडिया खेला, तो मेरा एयर इंडिया में मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो मैं बॉम्बे में 3 साल खेला हूँ सर। यहाँ पर CCI में भी हमें प्रैक्टिस करने को मौका मिलता था, तो उस टाइम सर सचिन प्रैक्टिस करने आते थे ग्राउंड पे। अगर सचिन ग्राउंड के सामने हमारे साथ अगर नॉकिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, तो फिर एक बिलीफ आया कि जब पाजी खेल सकते हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ। तो उनको देख के एक जोश था, और जिस तरह से वो जूनियर से बातें करते थे, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हाथ मिलाया कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा पाजी मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला है, तो अच्छे से वो बात कर रहे थे कि मतलब वो 2 मिनट ही काफी थे सर वो, तो वहीं से मेरी जो लाइफ, जैसे आपका शो का नाम है लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वहाँ बिलीव किया कि सर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत माइलस्टोन्स थे आपकी लाइफ में सचिन को मिलना, मगर एक छोटे से 12 साल के बच्चे के अंदर मन में क्या चलता था? सर यही था कि बस मेहनत करनी है खूब, और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया सर लखनऊ में 1998 में, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ सर। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में सर काफी रैगिंग हुआ उधर। हाँ, ये मैंने सुना। हाँ, कि तो, काफी आपकी रैगिंग हुई, यहाँ तक कि आप छोड़ के चले आए। सर सीनियर थे काफी, मतलब मैं छोटा था, मामा से दूर, इतना कभी देखा नहीं था, कि मैं कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं गया था सर, तो गाजियाबाद से सीधा लखनऊ जाना बहुत बड़ा टास्क था। वो सीनियर थे जो कुछ परेशान करते थे, जैसे आपको कपड़े धोने हैं और प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो उस टाइम थोड़ा टफ था क्योंकि इतनी दूर से कपड़े धुलवाते थे। सर रात को मैं 2 बजे धोता था, तो मैं 2 से 3 बजे तक कपड़े धोता था, उसके बाद सुबह 5 बजे उठता था। इंजॉय नहीं कर रहा था मैं अपनी लाइफ, एकदम छोटा था, हमेशा डर लगता था कि वो लोग मुझे मारेंगे, और जो मारते भी थे सर वो लोग। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं क्या करूंगा अभी, मेरा लाइफ बिल्कुल मतलब बन भी सकता है और टूट भी सकता है। तो फिर मैंने सोचा अभी हो गया, मुझे घर जाना है, तो मैंने अपने कोच साहब को बोला, दीपक सर को, कि सर मुझे घर जाना है, थोड़ा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे सिर्फ 10 दिन दे दीजिए, फिर मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर परमिशन दी, उसके बाद मैं जब घर गया, तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने नहीं गया सर। मैं घर वालों को क्या बोला आपने? सर मैंने उनको बोला था कि मैं सिक लीव लेके आया हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे कुछ चेकअप कराने। तो मम्मा थोड़ा परेशान हो गई कि चेकअप छोटी सी उम्र में सब ठीक है क्या है। तो फिर भैया के साथ मैं रात को एक बार वॉक कर रहा था, तो मुझे सब पूछ रहे थे वो कि क्या हुआ, तुम कभी ऐसे कभी करते नहीं हो ऐसे, कि घर में भी खेलते थे, अभी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और अच्छी स्टडी करो और खेलो भी। तो फिर मैंने भैया को बताया, दिनेश भैया को, कि ऐसे मुझे रैगिंग करते हैं और ये है। तो भैया ने फिर बोला कि आपके पापा आर्मी में हैं, इतना पैसा नहीं है, 5 भाई हैं, 1 सिस्टर है, और सबको, तो वो थोड़ा टची बातें उन्होंने बोली भैया ने, कि मुझे एक मौका था सर वो दोबारा बनाने के लिए। तो उसके बाद जब मैं दोबारा गया, तो फिर मैं वापस नहीं आया सर वहाँ से। वाह, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की फीस 10,000 रुपए थी। यस सर। और आपके पापा की तनख्वाह भी 10,000 रुपए थी। यस सर। लेकिन साल की थी सर वो 10,000 रुपए। अच्छा। और एक साल जब मैं खेला, तो मैं टूर्नामेंट, मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी सर, 2,000 रुपए 3,000 रुपए महीना मिलता था। तो फिर 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद, जब मैं, मुझे एयर इंडिया में बॉम्बे में मैचेस, टाइम शील्ड ट्रॉफी होती थी सर यहाँ पर खेलते थे, तो सर ने मुझे बोला कि आप एयर इंडिया के लिए खेलोगे? मैंने कहा सर मैं खेलूंगा। हमारे जो वराडकर सर थे वो काफी हेल्पफुल थे, और पिंगे सर थे, उन्होंने काफी हेल्प किया यंगस्टर का, तो सब सीखने को काफी मिलता था सर बॉम्बे। और बॉम्बे की क्रिकेट सर हमेशा से एक चैलेंजिंग रहती थी सर प्लेयर्स के लिए। जो फैसिलिटीज थी सर, वो एक यूपी के गांव से कोई लड़का आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी थी सर वो। तो एक चीज मैंने हमेशा सीखी सर, आप मेहनत करते रहोगे और कोई ना कोई आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिलेगी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी सर। और आपके जो भाई, जो वन ऑफ द ब्रदर्स दिनेश, जिसका ना, जिन्होंने रात को उस दिन आपको लेक्चर दिया था। जी जी जी। व्हाट डज ही डू? सर वो टीचर है स्कूल में। अच्छा। गाजियाबाद में एक स्कूल है सर, उसमें टीचर है सर वो। और सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे फादर फिगर है सर वो, भाई तो है ही, लेकिन हमेशा वो अच्छी चीजें बताते हैं कि क्या लाइफ में करना है, कैसे आपको रहना है, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है सर, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए थे, क्योंकि 12 साल की उम्र में सर बोर्डिंग स्कूल में जाना, और फिर वहाँ पर 8 साल मैं कभी फिर उसके बाद घर ही नहीं गया सर वो, वही जो छुट्टी मिलती थी उसमें जाता था, लेकिन मॉम डैड को काफ़ी मिस किया। वो टफ टाइम था, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा से मस्ती करनी थी, थोड़ा स्कूल बंक करके जो सब लोग करते हैं वैसा करना था, लेकिन उस टाइम मैं 12-13 साल आपके में, भाई बड़े दुखी होते थे जब आप स्कूल बंक करते थे पर खेलने के लिए किसी ना किसी दिन कोई ट्रॉफी ले आते थे, कोई कुछ ले आते थे। सर
एक बार हम लोग खेलने गए थे सर, मंसूरपुर एक गांव था हमारे वहाँ से गाजियाबाद से, तो वहाँ पर हम लोग खेलने गए, तो हम लोग सर उनको लगा सर सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, तो एक मैच हम जीते तो फिर उन्हें गांव वालों ने बोला कि कल सेमीफाइनल है फिर शाम को फाइनल हो जाएगा। तो मैं रात को घर वालों को पता ही नहीं सर मैं कहाँ पर हूँ, फिर मैं फोन भी किया रात को घर वालों, उस टाइम फोन नहीं होता था सर घर पे, तो पड़ोस में किया, वो 10:30 बजे तक सो गए थे सर पड़ोसी। फिर तो उसके बाद जब मैं घर आया तो सर 2 दिन मेरी बहुत पिटाई हुई सर। ये हमारी ऑडियंस बड़ी कमाल की है, ये मार पिटाई पे जरूर ताली मारती है। किसने मारा था? सर पापा ने मारा था, भैया ने, जो बड़े भैया ने, उन्होंने मुर्गा बनाया था सर आधे घंटे। अच्छा। तो सर फिर पटा लिया था बाद में, पापा को बोला कि आप उस तरह के लगते हैं जो आसानी से पटा सकता है इंसान को। कोशिश की सर थोड़ी तो पापा। बट यू आर नॉट ऑल दैट सिंपल एंड भोला भाला नहीं है, अभी मैं ध्यान से देख रहा हूँ उनके पीछे बहुत शरारती बच्चा है। फिर ऐसा कौन सा पहला मैच था जिसमें आपको लगा कि मेरा नाम थोड़ा सा सर अंडर 19 जब हमारा इंग्लैंड का टूर था उसमें हमें उस टाइम 15 साल का था सर, तो हमारे कोच थे सर रॉबिन सिंह सर, तो वो उस टाइम इंडिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर थे सर वो, तो उसमें राइडू था सर, मैं था, मनिंदर बिस्ला था, इरफान पठान था, काफी सारे यंगस्टर थे जो इंडिया के लिए खेले सर बाद में। तो वहां पर खेला तो उन्होंने मेरे जो यूपी के सिलेक्टर थे गोपाल शर्मा सर, तो उनको बोला कि इस लड़के को 15 साल में आपको रणजी ट्रॉफी खिलाना चाहिए, और ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, और मैंने इसको देखा है 2 महीने इंग्लैंड में, काफी अच्छा प्लेयर है और काफी काफी मेहनत करता है। तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट मैच खिलाया 15 साल की उम्र में, तो फिर मैंने 2 साल सर अच्छा परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में विद गॉड ब्लेसिंग। और उसके बाद एक ऐसा मौका मुझे मिला सर, मैं कैंप में था, फिटनेस कैंप हुआ था सर हमारा बैंगलोर में, तो मैं ऐसे जब रूम में जा रहा था तो मुझे फिर सिलेक्टर ने बोला कि आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो गए हो और आपको श्रीलंका जाना है। 2005 में सर फिर हम लोग का फर्स्ट टूर था सर श्रीलंका के साथ, वन डे वाला। यस सर। एंड देयर यू सर पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गया था। व्हाट डिड यू फील, क्या महसूस हुआ? सर मैच से पहले तो प्रेशर था कि मैं खेल रहा हूँ, कल इंडिया का मैच खेल रहा हूँ, और जो मैं चाहता था करना वो मुझे मिल रहा है कर, मतलब सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी सर, तो गाने भी सुन लिए और सबसे बातें भी कर ली, टीवी भी देख लिया, लेकिन वो इधर दिमाग में मैच चल रहा था कि ऐसे खेलना है ऐसे करना है, तो फिर बहुत रेस्टलेस था सर, वो कामनेस एकदम आ नहीं रहा था बॉडी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भगवान का नाम लिया, सो गए सर। फिर मुरली सर हैं सर, मुरलीधरन श्रीलंका के बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो, तो पहला बॉल सर उन्होंने मुझे कट का दिया, मैंने सोचा कट मारता हूँ, तो वो दूसरा डाल दिया और मैं लेग बिफोर पहली बॉल पे, फिर उस रात को फिर नींद नहीं आई सर। अच्छा। तो उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ आए मेरे पास कि तू ही उतना परेशान है, मैंने कहा नहीं राहुल भाई फर्स्ट मैच मिला और आउट हो गया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसे क्रिकेटर हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप फील्डिंग अच्छा करते हो, तो एक रन आउट करके दिखाओ आप। तो फिर मैंने सर एक अटापट्टू को रन आउट किया था। अच्छा। तो एक मतलब जोश में खेल रहे थे उस टाइम, युवराज सिंह थे हमारी टीम में और मोहम्मद कैफ थे, वो फील्डिंग को हमेशा लीड करते थे, तो मैं भी जब छोटा था वो मुझे सपोर्ट करते थे कि ऐसे फील्डिंग करेंगे, ऐसे हमको प्रेशर बनाएंगे, सिंगल नहीं देंगे। तो सिंगल में जब हमने प्रेशर बनाया 5-6 ओवर्स में, तो मैंने एक रन आउट किया, तो फिर राहुल द्रविड़ काफी इंप्रेस हुए थे सर, वो मेरे कैप्टन थे वनडे टीम के, तो उन्होंने बोला फिर शाम को, फिर मैं दुखी था मैं आउट क्यों हो गया 0 पे, तो कह रहे कोई बात नहीं ये क्रिकेट है, आज अच्छा है कल खराब है, लेकिन तुम 10-15 साल इंडिया के लिए खेलोगे, बस बिलीव योर सेल्फ और हमेशा ऑनेस्ट रहना और हार्ड वर्क करते रहना। तो काफी अच्छा लगा सर उस टाइम, वो लोग इतना अच्छा बात करते। तो राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मोटिवेशनल स्पीकर्स आल्सो। यस सर। जब 0 पे आउट हुए थे घर पे बात की थी? सर खेलने से पहले किया था, खेलने के बाद नहीं किया सर। तो उन्होंने देख लिया था क्या? टीवी पे आ गया था कि, लेकिन फिर वो घर वाले भी थे कि इंडिया के लिए खेल रहा है वो, मेरी मम्मी पापा मैच नहीं देखते सर, उनको थोड़ा प्रेशर लगता है सर वो, तो अच्छा? वो हाइलाइट्स देखते हैं जब मैं अच्छा करता हूँ, उसकी हाइलाइट्स देखते हैं। हाँ हाइलाइट्स देखते सर वो। इस दौरान आपके बेस्ट फ्रेंड कौन बने? सर जब इंडिया के लिए खेला 2005 में इरफान था और धोनी भाई थे उस टाइम, वो 2004 में खेले थे, मैं 2005 में खेला था, और वो सीनियर थे सर, कैब भाई मेरे स्टेट के थे, प्लस यूवी पाते जो हमेशा बोलते थे फिटनेस में ध्यान रखना, और इंडिया के लिए खेलने का से अलग ही जुनून रहता है उनके चेहरे पे सर, इतने सालों से वो सब अच्छा करके आए, तो जब आप इंडिया की जर्सी पहन के जब ग्राउंड जाते हो तो सब फिर आप कुछ सब भूल जाते सर, तो उसका लगता है कि बस आप जाओ और बस
देश को मैच जिताओ सर। वाह सुरेश, मैंने आपकी अभी बात पहले हिस्से की बातों में मैंने दो तीन चीजें अच्छी नोट की। आपको सब जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में कोई ना कोई काम किया या हिस्सा लिया, आपको उनके सबके नाम याद है? यस सर। इसके पीछे छोटे शहर का होने की खासियत है या यू जस्ट आर थैंकफुल टू देम? कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं कि आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं, उससे सारी चीजें आपको मिलने लगती है, तो आप फिर जो पीछे चीजें होती हैं लाइफ में और आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं टफ टाइम में जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भूलने लगते हैं। पर मैं हमेशा से सर उस चीज को बहुत एंजॉय किया। मैं छोटी खुशी में काफी खुश रहता हूँ सर, बड़ी अच्छा। खुशी से थोड़ा डर लगता है सर मुझे, तो छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर, और वही मेरी स्ट्रेंथ है सर। मम्मी पापा जब सोते हैं रात को तो उनको लगना चाहिए उनके बच्चे कुछ फील कर रहे हैं उनके लिए, उनके लिए वही काफी है सर वो, तो मैंने हमेशा वो फील किया है सर, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो उनके साथ मेरी हमेशा दुआएं रहती है सर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। आई थिंक आपने तो बहुत सारे साल नहीं गुजारे अपने माँ बाप के साथ, आप पढ़ने चले गए थे, बट एक छोटे शहर में एक टुगेदरनेस बहुत होती है। Yes, जैसे मुझे आपके और आपके भाई का वो सीन, मुझे वो सीन कभी भूलेगा नहीं जो रात को उन्होंने आपको लेक्चर दिया था मुरादनगर में। यस सर। सर रात को हम जो हमारा आर्मी का एरिया था वहां पर हम घूमने जाते थे खाना खाने के बाद, तो वहां उन्होंने 3 घंटे मुझसे बात किया था, और वो भी सर बहुत अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल के। तो कुछ ऐसा उनको लगा कि नहीं खेलना है अभी, नो मुझे पढ़ाई करनी है और तेरे बाद मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे भी पूरा फैमिली को लुक आफ्टर करना है। वो सब जब सारी चीजें करते हैं तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है सर। तो मुझे वो बोलते हैं सिर्फ तू देश के लिए खेल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा और स्माइल कर ग्राउंड पे, जितना एंजॉय करना है कर ले, क्योंकि इतने सारे लोग खेलना चाहते हैं देश के लिए, तू उसमें से एक है। अगर तू देश के लिए खेलेगा, देश का नाम रोशन करेगा, इससे बड़ा तुझे ऊपर वाला कभी तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो वो सर अलग बात है। After you became this superstar of cricket, Indian cricket, आपने दिनेश के लिए क्या किया? सर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कुछ सोचता हूँ करने के लिए, तो वो मुझे सिर्फ बोलते हैं तू क्रिकेट खेल, मुझे पता है तू क्या सोचता है लाइफ में मेरे लिए, वो मेरे लिए काफी है। तो वो जब भी मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीजें करता हूँ, तो फैमिली के साथ जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो मुझे सिर्फ बोलते हैं कि जब तू रन बनाता है तो मुझे खुशी मिलती है, और जो छोटी छोटी चीजें घर में होती हैं सर, और थैंक्स टू आईपीएल कि जितने भी परिवार के बच्चे आईपीएल में खेले, गरीब घर के, उनको पैसा मिला। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, और इन दैट मैटर से अपनी वाइफ को। तो पैसा मिलेगा तो सर लाइफ अच्छी होगी, और उसके साथ फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले सर, उससे ज्यादा और क्या चाहिए सर। आपके फादर ने आपको एक 2000 रुपए का बैट दिया था? यस सर। पहला गिफ्ट? यस सर। कहाँ है वो बैट? सो रखा है मेरे पास घर पे। अच्छा। मैं हमेशा रखता हूँ सर वो, जब मैं हॉस्टल में गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, और ये तेरी जिंदगी का, जैसे मुझे आर्मी में मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और ये तेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सब कुछ मिलेगा लाइफ में, लेकिन रेस्पेक्ट जो तुझे मिलेगी वो कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको हमेशा संभाल के रखना, और हमें अपने गुरु जी का, अपने टीममेट्स का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना। क्रिकेट अभी ग्लैमर से जुड़ा हुआ है बहुत। यस सर। और उस जहां ग्लैमर होता है वहां कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी मैंने कहीं ज्यादा देखी नहीं है, आप कैसे सर, बचा हूं सर। अरे तुम्हारे साथ वाले बच्चे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। सर मेरी शादी हो गया, मैं वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ सर। नहीं, मैं उस वहां तक तो पहुंचा नहीं, मैं शादी से पहले की कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ सर। टाइम ही नहीं मिला इतने, आप 365 दिन में। आई एम नॉट, कंट्रोवर्सी इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इन्वॉल्वड विद अ गर्ल, कंट्रोवर्सी इज अबाउट बीइंग शॉर्ट टेंपर्ड, कंट्रोवर्सी इज अबाउट नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड, कंट्रोवर्सी इज अबाउट लेटिंग गो सम टाइम। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर अ वेरी पॉजिटिव बॉय who has stayed away from such, aise temptation to hoti hogi na, gussa to aata hoga field pe sir, aata hai to ghar mein ladai kar leta hu main ghar mein apne logo se, ground pe mujhe teammates ki khushi mein sir mujhe wo ek satisfaction milta hai sir ground pe, wo hamesha sir maine Dhoni se seekha hai wo, to Australia mein maine sir alag dekha wo apni jab uski beti hone wali thi to maine usko pucha world cup mein to maine kaha aap nahi jane wale ho, keh rahe nahi mere liye country comes first, wow, to sir wo jab aise लीडर टीम में है तो सर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है,
और इतने सालों से सर उन्होंने कभी भी सक्सेस को वैसे ही नहीं इंजॉय किया, हमेशा काम रहे, वो कभी अच्छा हुआ खराब हुआ सब वो ऐसे ही रहे हमेशा। करेक्ट। तो वो उनकी सर क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है सर। ओह वंडरफुल। मैं हमेशा एक बात जानना चाहता हूँ एज ए दर्शक, आप लोग जब सब लोग ये ऐसे करके होते हो अब क्या बात कर रहे होते हो? सब वो हर्डल में बात करते हैं कि सबके मन में ऐसी बात है कि नहीं सर? हर्डल में जैसे स्कीपर ने बात किया कि अभी हम लोग इंटेंसिटी अच्छा रखेंगे, अच्छा, और बॉलर्स को बोलेंगे खूब सारा डॉट बॉल्स डालना है, प्रेशर क्रिएट करना है, और सर्किल में जो हमारे टॉप 5 फील्डर है वो प्रेशर बनाना है और कोई इंटेंसिटी अच्छा रखना है, अच्छा। तो वो 50 ओवर्स 3.5 घंटे सर वो सब लड़के आते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आप जितना ज्यादा आप इंजॉय कर रहे हो ग्राउंड पे, और कंट्री जितने सारे फैंस आते हैं सर, मुझे अभी भी याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी वर्ल्ड कप का था सर 2015 ऑस्ट्रेलिया में, तो हम जैसे ही घुसे और नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ सर तो छाती ऐसे चौड़ी हो गई सर। तो वो सर वो फील अलग है सर। वो दो हम लोग अच्छा नहीं खेले सेमीफाइनल मैच में, बट ये स्पोर्ट है सर, एक मैच दो टीम खेलती है, एक जीतती है एक हारती है। तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि हम लोग सोते नहीं है सर रात को जब हारते हैं। नो डाउट कि सब फैंस दुआएं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर क्रिटिसाइज अच्छे वे में होगा तो वो सर अच्छा लगेगा। वो कभी कभी कुछ लोग पर्सनल होते हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं होती सर, लगता है कि अभी जैसे हाल ही में विराट आउट हुआ था तो बहुत अननेसेसरी सोशल मीडिया पे काफी फजूल की बातें। नहीं वो गलत है सर, वो क्योंकि वो जितना उसने इतना अच्छा किया है सर मैचेस के लिए, वो सर आपको अलग हो जाता है फिर, वो थोड़ा प्लेयर को लगता है कि वाई मी, कि मेरे पीछे क्यों वो बात करे, मुझे भी अपनी लाइफ है। बट दुआएं इतना लोग करते हैं, लेकिन प्लेयर अगर खुल के खेलता है तो जैसे मैंने पहले बोला एंजॉय करेगा, तो सर उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग आता है सर। वो क्रिकेट के अलावा क्या पैशन है आपका? कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं? जब इंग्लैंड में सर मैं काउंटी खेलने गया था छोटा था सबसे, तो 2 महीने में अकेला रुका था वहां पर, तो उस टाइम से इतना बात भी नहीं करना आता था आपको, प्रोफेशनल एकदम टेबल पे एकदम अच्छे से वो खाना कुछ देसी था सर, मुझे पता ही नहीं था। तो सब उधर खाना, फिर थोड़ा कभी दाल बना ली और स्टीम राइस जो हॉस्टल से सीखा था तो वो सब काम आया सर। उधर जो मेरे गोरे प्लेयर थे मेरे साथ जो खेलते थे उनको इंडियन खाना अच्छा लगता था, और गोरों के साथ इंग्लिश में बातें करनी है, और अपने आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल से थे? नहीं सर, हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी बिल्कुल सर, बोल बोल के सर सीखनी पड़ी वो। अच्छा, तो इतना मैंने भी वैसे ही सीखी है। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही था। तो कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था सर उनकी, डू यू लाइक सम वाटर, तो ऐसे करके बात करके तो हमारी प्रेजेंट टीम का, आपकी जो प्रेजेंट टीम का क्या है? दीज आर द क्वेश्चंस दैट मेरे मन में आते हैं। हु इज अ कॉमेडियन इन योर टीम? सर मेरे साथ जो मुझे लगता है सर, लोगों को पता नहीं लगता नहीं लगता, जो कॉमेडियन सबसे ज्यादा है सर वो धोनी भाई है। क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोले सीरियस रहते हैं। सीरियस सर वो ग्राउंड में रहते हैं वो। अच्छा, हाँ। और जब रूम में आएंगे तो आपसे बात करेंगे और उनको लगेगा कि कुछ ऐसी बात बोलेंगे हंसने लगेंगे सर सब लोग। अच्छा, और विराट उनके साथ बात करके, और शिखर धवन तो सर वो तो अल्टीमेट है सर वो। अच्छा, वो कुछ ऐसी चीजें करता है सर तो एकदम आप हंसने लगोगे, वो हंसता भी एकदम ऐसे है सर, वो डाकू टाइप ऐसे हंसता है, तो खुशी ऐसी है। आप गाना वाना गाते हैं? मैंने सुना गाते हैं कि नहीं? हाँ गाते। तो आप एक गाना तो सुनाइए ना, बनता है। अपने प्रियंका के लिए कभी गाना गाया? हाँ सर गाया है। ये प्रियंका को बोलना चाहता हूँ कि ये गाना बेसिकली आपके लिए गा रहे हैं। चलिए। तब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। चलो मैंने भी कर ली। ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 रन बनाने हैं, लास्ट बॉल बाकी है सर। सर वो बना दूंगा मैं। उतने भी इसमें नर्वस नहीं होंगे। मैं गाता सर। अच्छा, जब हम स्कूल में, जब फैमिली हम लोग के साथ में रहते थे
तो बचपन से काफी सालों से हम लोग जानते थे हॉस्टल जाने से पहले। तो उसके बाद जब मैं क्रिकेट फील्ड में आया तो 2008 में सर मैं बॉम्बे में मिला था उसको फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए नंबर एक्सचेंज किया था कि हेलो हाउ आर यू, क्या कर रहे हो आप। तो उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई सर उसके बाद। उसके बाद फिर मम्मी बीच में बोल रही थी कि अभी शादी का प्लान करना है, क्या चल रहा है। मैंने कहा मम्मा मुझे 2011 वर्ल्ड कप जीतने दो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो 2011 जीत गए, उसके बाद मम्मा ने बोला अब क्या प्लान है। मैंने कहा मम्मा 2015 जीतने दो, उसके बाद शादी करता हूँ। कह रहे अब नहीं होगा अभी तो करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर सर जो प्रियंका की मम्मी है वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, और जो प्रियंका के पापा हैं वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे सर वो ऑनर्स फैक्ट्री स्कूल में। अच्छा। और जो नेहा है जो मेरी भाभी है भैया की वाइफ, वो और प्रियंका बेस्ट फ्रेंड है। और जो प्रियंका के दोनों भाई हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे सर। तो ये सर लिखा हुआ था ऊपर वाले। हाउ वंडरफुल। मैं मिला, बहुत बहुत ही अच्छी लड़की है प्रियंका, बहुत वार्म है, बहुत अफेक्शनेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत तहजीब याफ्ता है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर द मोस्ट? सर शी लव्स मी लाइक ए नॉर्मल पर्सन, नॉट लाइक हु आई एम राइट नाउ। उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सोनू हो, तुम सुरेश रैना नहीं हो। तो मैंने उसको बोला कि 2 मिनट, तो फिर थोड़ा इमोशनल हो गए सर। अच्छा। थोड़ा धीरे धीरे सर। क्या बोला आपने इमोशनल हो गए सर आप? अच्छा ट्रेजेडी देखिए, बिकॉज वो हॉलैंड में रहती है, उनकी फेवरेट गेम क्रिकेट नहीं है, सॉकर है। नहीं अभी थोड़ा समझा रहा हूँ सर उसको। तो मुझे पूछ रही थी कि जब आप इधर खेलते हो तो दोबारा स्विच क्यों करते हो। अच्छा। तो फिर उसको वो समझाया सर। उसके बाद उसने मुझे बोला कि कीपर के पीछे हेलमेट क्यों नहीं है, कीपर के आगे होना चाहिए। तो कीपर जब स्पिनर पे कर रहा है तो हेलमेट लगाते हैं माई भाई, तो फास्ट बॉलर पे पीछे रखते हैं, उसको लगता है कि वो आगे रहना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा आप फुटबॉल ही देख लो, मैनेज कर लूंगा। लेकिन अभी काफी सीख गए सर वो, और काफी प्लेयर्स आए थे तो सब उसको पता है। सुरेश जब आप फील्ड में उतरते हैं अपने आप से क्या कहते हैं, जब द मोमेंट यू गेट ऑन टू द फील्ड? सर बस जैसे ही अंदर जाते हैं फिर आप लेग स्टंप लिया और उसके बाद स्टार्ट हो गए सर। 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द ग्रीन रूम? सर बहुत प्रेशर था, और स्टार्टिंग में टॉस को लेके कुछ हुआ था सर। तो फिर ड्रेसिंग रूम में हम लोग बात करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, टॉस दोबारा क्यों है। तो सचिन सर आए तो उन्होंने बात किया कि कोई टॉस के बारे में बात नहीं करेगा, ये 100 ओवर का मैच है, बॉल 1 से आपको फोकस रहना है, और ये वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भी बॉम्बे में है, ये हमें जीतना है किसी हालत में। तो उनके मुंह से ऐसी बातें, और मैच से पहले जबकि वो आराम से अपने किशोर दा के गाने अपना आराम से सारा बैट विंड में ग्रिप चढ़ा रहे हैं और आराम से कामने से, तो लग रहा था सर कुछ होने वाला है उस मैच में। तो सब प्लेयर एकदम से खड़े हो गए, चलो अब थोड़ा। तो वो एक जोश था सर जो जो टीम को जिताया वो। Did anybody crying? तो सब रो रहे थे ड्रेसिंग रूम में, सब रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। और उसके बाद सचिन को मैंने कभी नहीं देखा सर ऐसे बाजी को, कि ऐसे इमोशनल, फैमिली थी सबकी, बच्चे थे सब, ड्रेसिंग रूम में एक अलग सा माहौल था, कि जैसे बहुत बड़ी हमने कहीं फतेह कर ली है, ये था कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीती है। तो उस लफ्ज में ही सर फिर अलग ही मजा है सर। कभी अकेलेपन का एहसास होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं? आपने बताया कि सचिन किशोर दा के गाने सुनते हैं, बाकी लोग क्या क्या, धोनी क्या करते हैं व्हेन ही इज? सर वो प्लेस्टेशन खेलता है, प्लेस्टेशन खेलते हैं अपना, वो गेम खेलता है। और अच्छा। अभी तो डायपर चेंज कर रहा है वो। ज्यादा फिक्र मत करो, थोड़े दिनों में तुम भी डायपर चेंज करने लगोगे। डज ही टॉक अबाउट हिज चाइल्ड? हाँ सर, शाम को जब कभी जाते हैं ग्राउंड में तो काफी बातचीत करते रहते हैं, साक्षी उसको अच्छे से लुक आफ्टर करती है। और सर जितने भी लड़कियां सर क्रिकेटर के साथ हैं तो उनको हेड्स ऑफ है सर, बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका दिल करता है कि आप रूम पे आके उनके साथ खाना खाने जाओ, लेकिन इतना बॉडी टायर्ड रहता है। तो प्लेयर की गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो सर उनको सलूट है सर, वो बहुत डिफिकल्ट है सर, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ में, आज तक की लाइफ में जो गुजरा है, उसको देख के आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? सर वो मेरा दोस्त बैठा है सर उदय अली मेरा सर, मैं मैच खेल रहा था 2007 में, तो मेरा नी का ऑपरेशन हुआ था सर, ACL मेरा रैप्चर हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सर ऑपरेशन कराया, BCCI ने अच्छे से लुक आफ्टर किया, तो मैं सर 4 से 6 महीने क्रशेस पे था।
तो उसके बाद मेरी हालत इतनी थी सर, मैं मतलब वॉशरूम भी नहीं जा पाता था. तो वो मेरे साथ रहता था, उसने मुझे काफी लुक आफ्टर किया. फैमिली को मैंने उस टाइम नहीं बताया था कि ऐसे हो रहा है. तो काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि अब तो ये खत्म हो गया है, अभी तो ये खेल नहीं पाएगा. तो मुझे सर, जब मैं शीशे में जाता था, अपने आप को देखता था, मुझे लगता था कि कुछ अभी चीज बाकी है जो मुझे हासिल करनी. मेरे चोट लगी थी, लेकिन मैं सर अली के साथ लखनऊ जाता था क्रचेस पे, और जो बच्चे मेरे हॉस्टल में खेलते थे तो मैं पीछे नेट्स पे देखता था उनको खेलते हुए, क्योंकि मैं सब भूल गया था सर. और मैं कैरम बोर्ड खेलता था, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ सब खत्म हो गया था. बास्केटबॉल डिबल करता था, और बॉल्स लेके आए थे वो स्पंज वाली बॉल, वो सब मैं दबा के थोड़ा स्ट्रेंथ लेके आ रहा था. 2 हफ्ते के लिए साउथ अफ्रीका गया, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए इंग्लैंड गया. उस टाइम पैसा नहीं था सर मेरे पास उतना, लेकिन बीसीसीआई के कुछ अच्छे ऑफिशियल थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप हमारे देश के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, आप जाओ. तो उस टाइम जो आपने जो बोला सर, उस टाइम मुझे लगा अगर मैं यहाँ से फिट हो गया तो मैं बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता हूँ. तो उस दिन मुझे बिलीव हुआ सर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है सर. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मैन दैट सुरेश टॉक्ड अबाउट जस्ट नाउ. आई विल रिक्वेस्ट अली, जस्ट कम एंड सिट हियर फॉर 1 मिनट सो दैट वी एक्चुअली गेट एंड टेल पीपल. बैठिए अली साहब, कैसे हैं? बैठिए बैठिए. बहुत सालों से आपने दोस्ती निभाई है. जी सर. क्या खासियत है इनकी? मैं इनको अराउंड 15-16 सालों से जानता हूं, और मैं शॉर्ट एक यही बताना चाहता हूं कि जिन्होंने जिक्र किया कि इनका जो 2007 वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद इनका पूरा नी टूट गया था. तो उन्होंने उस 6 महीने जितनी मेहनत करी है, शायद उन्होंने मतलब उस 10 सालों में नहीं करी होगी जो 6 महीनों में की. यूज टू क्राई बिकॉज इनको लगता था ये दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये 2007 की बात है. तो मुझे लगता है कि वो एक इनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से ये और बहुत मैच्योर हुए एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन. अब रुलाओगे क्या? एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि ये इतना बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को नहीं भूलते हैं और अपने रूट्स को नहीं भूलते हैं, ग्राउंडेड हैं. ये एक बहुत बड़े इंसान की निशानी है. थैंक यू. अब है बारी ऑडियंस के कुछ भी हो सकता है के मोमेंट की, लेकिन आज हमने, आप क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, हमने एक नया तरीका सोचा है. हमने कुछ यंग क्रिकेटर्स को बुलाया है आपसे बात करने के लिए. तो आइए दोस्तों. आइए तस्वीर नहीं नहीं आपको भी पहले डिसाइड कर चुके थे कि मैं बस जाती बैठ जाता हूँ. मैं साथ वाली सीट में. तो कहाँ सीखते हैं आप लोग? हम चंद्रकांत पंडित क्रिकेट में खेलते. सब बैट्समैन है या बॉलर है? मैं बैट्समैन ऑलराउंडर हूँ. ऑलराउंडर हूँ. आप में से कोई ऐसा है जो ऑलराउंडर नहीं है? सभी ऑलराउंडर है. बेटा क्या नाम है? राहिल मेहता. राहिल मेहता, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप. Who is your favorite bowler to hit sixes? फर्स्ट बॉल से आपका पॉजिटिव इंटेंट है और पहली बॉल से आपको लगा कि फील हो गया, क्यों फिर कोई भी आएगा तो आप फिर किसी को भी खेल सकते हैं. Who else is asking a question? Okay, you. What's your name, beta? What are you? Avish. Avish. Okay. How are you practicing Irfan Khan before the World Cup started? सर उसकी जो हाइट है वो 7'4" है. सर हम लोग मैच से पहले उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इतना हाइट से बॉल आएगा. जब वो बॉलिंग करते हैं सर, साइड स्क्रीन जैसे वो सब पूरा ब्लैक उधर है सर, तो उसके ऊपर से हाथ आता है उनका, तो उसके ऊपर आप साइड स्क्रीन नहीं लगा सकते. तो हमारे जो श्रीधर हैं जो फील्डिंग कोच हैं, और संजय बांगर जो अभी हमारे बैटिंग कोच बने हैं, तो उन्होंने सर क्या किया, एक स्टूल रखते सर वो नेट के पास, तो स्टूल पे चढ़ के पूरा ऐसे थ्रो डाउन करते थे वो. तो जैसे उनकी हाइट 6 फीट है, तो सर उनको 1.5 फीट और ज्यादा बड़ा होना था. अच्छा. और वो जब बॉलिंग करता है वो लगता है सर सारा बॉल सर पे ही डालने वाला है वो. अच्छा. तो फिर आगे वाला बॉल वो मिस हो जाता है सर वो. और सर हमने उसकी बहुत पिटाई की थी वर्ल्ड कप में. हाँ बेटा आप पीछे दे दो. हाँ. What's your name? युभव. युभव क्या पूछना चाहते हो आप? Why did you choose batting not bowling in your cricket career?
स्टार्टिंग से ही मैं बैटिंग में ज़्यादा मेरा रुझान था और बॉलिंग सिर्फ राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता था नेट्स पे, लेकिन बैटिंग में मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ और ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फील्डिंग से और बैटिंग से, जब मुझे बॉलिंग मिलेगी उससे भी कर सकता हूँ। और अब हम इनको आपकी तरफ से कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेके आइए जी। अच्छा, विल गेट इट साइन। चलिए आप ये बॉल मुझे करिए। सर ये इसमें कहीं लगेगा सर किसी को? अरे सर मैं उधर, अरे वहां तक थोड़ा जाएगी। तो क्या बात है। ओ मैक्सिल वाला खेल दिया सर ये वाला। नहीं सर ऐसे खेल लिया लास्ट। अब मैं एक बॉल करूं आपको बिकॉज आप बैट पकड़िए। चलो एक फील्ड बनाओ 2 मिनट के लिए। आइए सर। चल बेटा तू कर। ओहो I think this is the best moment. Thank you, Suresh. Welcome. Thank you so much. Brother, wow. Thank you, sir. ये तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों। टू माई बेस्ट फ्रेंड विद लॉट्स ऑफ लव, ग्रेट मैन विद ग्रेट स्माइल, लॉट्स ऑफ लव सर सुरेश रायना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। मैंने आप में एक महान क्रिकेटर तो हमेशा देखा, लेकिन आज मैं आप में एक बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा भाई और एक बहुत अच्छा देशभक्त देखा। थैंक यू सर। और That is a very proud moment for me. And अगर आप जैसे लोग हमारे देश में होंगे तो जैसा मैंने कहा है कि हमारा देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब ये मुहावरा मैंने बहुत सालों बाद इस्तेमाल किया है। तो आपके पास बहुत सारे ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे। हमारी तरफ से हम आपको कुछ हमारे जो जज्बात हैं वो इस पर मैंने लिखे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आइए। हिंदुस्तानी खेल जगत के अनमोल रत्न सुरेश रैना, आपको हमारा नमस्कार। आप कड़े परिश्रम का प्रतिबिंब हैं, आपकी प्रतिभा अतुलनीय है, आपकी उपलब्धि परिणाम है आपके जुझारू रवैये का, आपकी विनम्रता आपके साफ मन का आईना है। आप हमारे देश का अभिमान है, आप इसी तरह अपना और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि किसी को हैसियत से ना तोलें, अपनों से छोटे लोगों की इज्जत कीजिए। कल किसने देखा है, छोटा बड़ा बन सकता है क्योंकि लाइफ में For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.